हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान के अजमेर बोर्ड द्वारा चलाई जाने वाली स्कूलों की बुक, जिसके 9th और 10th में है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से। इसके 9th क्लास की बुक हमने पहले पढ़ी और अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th की। पढ़ रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर यह हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ भी वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग से जितनी विविधता वह जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा जाता है कि मारू थारे देश में उपजे 3 तरह रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग, कसुमल अर्थात लाल। पुरुष परिधान, सबसे पहले पुरुष परिधान की बात करें तो उसमें है काली। बंगाल और आहट सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। इन स्थानों के उत्खनन के से प्राप्त रुई काटने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल में लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देने देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का उपयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान के पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों पर, अंगरखी जांघों पर होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्प सूत्र सामान्य व्यक्तियों से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क में इस परिधान में विविधता और परिवर्तन आया है। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां, जैसे अटपड़ी, अमरशाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी प्रमुख हैं। विविध देशों के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ी पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाहोत्सव पर, लहरिया सावण में, दशहरे पर मदिल तथा फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपंच, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुली, गोचपेच, पछेवड़े, लटकन, फतेहपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, उसका प्रयोग तेज धूप में सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी, जो सामान्य जन का पहनावा
पहनावा था समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार का आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, दोढ़ी, कानो, गल्डा, डगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इसमें रुई भी भरी जाती है। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल दिए जाते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गले का या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए। फिर है स्त्री परिधान। जिस प्रकार पुरुष परिधान के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधान में के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा के अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की गुमड़कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहों वाली अंगी या पहनी जाती है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित हैं थे, यथा चोल, निचोल, पट, दुकुल, अस्तुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धुरा वाली साड़ी आदि। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादारी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारछा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बा, अदला, नौकरशाही, बहादुरशाही, फरुख शाही, छींट, बाफ्ता, मोमजाबा, गंगाजली आदि नामों से जाना जाता था। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। यहाँ छींट व खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रमशः कपड़े सिले, रंगे एवं छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नील रंग करते हैं। रंगे जाने वाले कपड़ों वस्त्रों में पगड़िया, साफे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमछा, लहरिया एवं चुंदरी हैं, जिसके अलावा रंगरेज, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भाते भी रंगते हैं। पोमछा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमछा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमछा देने की परंपरा है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरियां, भांत की ओढ़नियां तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई भांतें प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगढ़ राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो यह लहरिया तथा दूसरे ओर से एक दूसरे को काटती हुई जा रही हो तो
वो मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहर या जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, इसमें चौड़े चौड़े आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होते हैं। शिखर यानी कि शेखावटी के बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेज में होती है। पहले राजस्थान में मलागिरी यानी कि मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग में से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पेपाड़ जोधपुर व पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिसमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक प्रसिद्ध से पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग के छपने वाले अजरक की विशेषता दोनों ओर की छपाई है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। पहाड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग के में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोरा, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छीपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने सिहाए बगैर काला लाल छपाई के लिए ख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल, काले और काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। फिर है सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रयोग योगदान सुंदर का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो थप्पा बनाने वाले एक खरादी के इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। क्या आप जानते हैं कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड क्रा ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशेषता का आश्वासन देते हैं जिसका अर्थ संबंध अनिवार्य रूप से ये उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। फिर बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मागरोल, कोटा या मसूरिया, तंसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने में के काम आती है। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालौर तथा मारोठ कस्बों में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैलों आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू का नातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांकने, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, आठमासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा
गोटा प्रयोग का प्रसिद्ध केंद्र है। सिक्कर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। सिखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्व एवं दक्षिण राजस्थान में उल्टी बखी या चैन और लंबे छोटे टांकों से बनी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुंगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी में उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े व मोटे मोटे टांकों के भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़े का जमाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। फिर है आभूषण। सुंदर दिखाई देने वाले दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल में आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और हड़प्पा सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण बनाती धारण करती थी। कुछ सुगकालिक मिट्टी के खिलौने और पलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े पैर में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। स्त्री निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहने से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियां देखी जा सकती हैं। ओशिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकड़, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल का तक प्रचलित हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले घेरे को बोरलासी फूल, रखड़ी और टुकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण थमड़ो, थेड़तो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुसली, गले में और वंश और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बज्र, बजठटी, हालरो, हासली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कठमाला, हमेल, हाकड़, मंदलिया, चंपली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख हैं। कानों में पहने जाने वाले आभूषण में कर्णफूल, पीतल पत्ता, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोंटी आदि और हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकली, लाख से निर्मित चूड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नागोरी, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगली में बेटी, दामणा, हथपांच, चढ़ा तथा पांवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवली आदि पहने जाते हैं। नाक के नथ, बेसर, बाली, भोगली, कांटा, चुनी, पोच, भंवर कड़ी आदि और कमर में कंदोरा या करधनी पहनने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की गोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे पत्थर की खोल चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना पूंछ कहलाता है, चुंप कहलाता है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मूर्खियां, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजू बंद, कड़ा, नरगमुख और उंगलियों में अंगूठी, बीठीड़ी,
पीठिया वह मुंदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब भी यह आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हसुली, हाथ में पावों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहने जाते हैं। हाथ और पावों के कड़ों को कुंडलिया कहते हैं। पावों में पहने ही जाने वाली पतली सांकली जिसे घुंघरिया फाद दी जाती है, झांझरिया कहलाता है। इसे पेंजनी भी कहते हैं। राती छितरी इसे सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चरण बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ पर श्रृंगार जिसके रत्यावड़ी गांठ मुंगड़े नहीं हो नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवाकर उसमें सोने या जस्ते की कुंडली पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में लौंग में मोती, लूंग, गुड़दा, मुरकी या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की उड़क मुरकी कहलाती है। इस चित्र में स्त्री के राजस्थानी आभूषण दिखाए गए हैं जो आप ऊपर से लेके हाथ और दोनों हाथ हाथ में भी ऊपर और नीचे और पाँव में पहनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषण देख सकते हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत प्रसिद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवहार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपने विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्री नाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों पर तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच से बनी सोने का बारीक काम किया जाता है पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।